सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है अभी ये वीडियो जो है वो सारी इसकी डिटेल जानते हैं लेकिन उससे पहले क्या अगर आप लोग ने पर अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा पहले फटाफट से जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा और अभी फाइनली जो है वो खुद पाकिस्तान के लीडर अब ये चीज जो है वो अपने मुंह से उगल रहे हैं बता रहे हैं और ये सारी दुनिया के सामने ये चीज जो है वो रो रो के दिखा रहे हैं कि वी वी आर आर बैगिंग ठीक है? वी आर बैगर्स, ठीक है है बैगर्स और इंडिया जो है वो सुपर पावर है दोनों कंट्रीज एक साथ बनी थी अभी वो चांद पर और हम जो है वो बस यही वे वी आर वी आर स्टिल हेयर ठीक है हम कहीं भी नहीं गए तो लेट्स था दीडियो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा आईक्यू स्टडी स्टडी आईक्यू नमस्कार वेलकम टू स्टडी आईक्यू मैं हूं प्रशांत धवन नाउ रिसेंटली आपको बताया है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कंक्लूड हुए हैं और इलेक्शन खत्म होने के बाद जब पहली बार इनके पार्लियामेंट में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये इकट्ठा हुए तब एक ऑपोजिशन लीडर ने ऐसा भाषण दे दिया जो सुनकर मैं कहूंगा पूरा पाकिस्तान शॉक्ड है और पूरे इंडियन सब में आप इवन देखो बांग्लादेश में इंडिया में कई जगह सोशल मीडिया पर इस भाषण की क्लिप्स वायरल हो चुकी है यहाँ पे आप देख पाओगे कई आपको आर्टिकल दिखेंगे इस भाषण के बारे में क्योंकि इंडिया का यहाँ पर मेंशन किया गया है और ये हेडलाइन आपको हर जगह मिलेगी के वी वी मतलब के पाकिस्तान वी बैक टू अवॉइड बैंक जबकि इंडिया एम कर रहा है टू बिकम ए सुपर पावर नाउ इस टॉपिक पे आगे बात करने से पहले मैं चाहता हूं के पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर इनके ऑपोजिशन के बड़े लीडर क्या कहते हैं यह आप सुनिए एक मिनट की एक लिब है हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए पंद्रह अगस्त उन्नीस को सुबह आठ बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंट ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में काज आजम मोहम्मद अली जिनाह ने हलफ उठाया एक ही दिन हम आजाद होंगे आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के खाब देख रहा है और हम दिवालियापन अपन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट हो जाए हम लोग ये किसके हाथों तो टोल जिम्मेदार है उसका घूमते फिरते फिर आएगी बात सियासतदान जिम्मेदार हुकूमतें नाकाम है दीवार के पीछे जो कुवतें हमें कंट्रोल करती हैं जिनके बाग डोर हमारे उनके हाथ में हैं फैसले तो वो करें और मुंह हमारा काला करें आवाम हमें गालियां दे जिम्मेदार हमें ठहराएं ये कौन सी सियासत ना यह बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में कि पाकिस्तान का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट में ही खड़े होकर यह कहे कि पावर्स हैं दीवारों के पीछे ना वो पावर्स कौन सी हो सकती है क्या वो फॉरेन पावर्स है मिलिट्री की ये बात कर रहे हैं मगर ये कह रहे हैं कि देर आर पावर्स बिहाइंड द वॉल कंट्रोलिंग अस जो पूरा पार्लियामेंट है जहां पे जो भी मिनिस्टर है सबको कंट्रोल किया जा रहा है और असल में जो पावर उस पार्लियामेंट के बाहर बैठी है वो डिसाइड करती है कि क्या पाकिस्तान में होगा क्या नहीं होगा और जो भी लोग ये अंदर बैठे हैं ये सब पपेट्स हैं ये मैं कहूंगा बहुत ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट है और इंटरेस्टिंगली आसानी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कुछ और कह रहे हैं आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में सुना होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है हर साल स्विट्जरलैंड में

कि ये एक ह्यूज चैलेंज पोज करती है इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान और आने वाले टाइम में होगा यही कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन आएगी ना वो इतनी ज्यादा होगी कि आम आदमी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा मैं आपको इन्फ्लेशन से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं इससे आप समझ पाओगे पाकिस्तान में इनके पार्लियामेंट से लेकर इनके प्राइम मिनिस्टर में इतना डर क्यों है मान लीजिए एक परिवार है किसी भी कंट्री में कंट्री कोई भी हो सकता है एक परिवार है और उनका खर्चा है एक लाख रुपए इंडियन रुपीज में महीने का खर्चा मान के चल लीजिए एक लाख रुपए है और उस देश में इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है सेवन परसेंट सात परसेंट जो काफी आप कह सकते हो एवरेज आपको मिली जाएगा तो सात परसेंट के इन्फ्लेशन के हिसाब से ना जो परिवार अभी खर्च रहा है एक लाख रुपए इनको सेम खर्चे मेंटेन करने के लिए दस साल में मैं बीस साल की बात नहीं कर रहा सिर्फ दस साल में ऑलमोस्ट दो लाख रुपए चाहिए होंगे नाउ ये तो मैं बात कर रहा हूं इन्फ्लेशन रेट की जब होता है ये सात परसेंट पर अगर महंगाई दर थोड़ी और आगे चली जाए बीस परसेंट के आसपास चली जाए जो पाकिस्तान में लंबे समय से बनी हुई है चौबीस परसेंट बीस परसेंट अभी हमने देखा है कि अप्रैल में और मे में थोड़ी सी ये ईज हो सकती है अट्ठारह उन्नीस के आसपास इन्फ्लेशन हो सकती है तो अगर हम अट्ठारह उन्नीस का देखें ना अदर तो ज्यादातर आपको इन्फ्लेशन कैलकुलेटर में जो मैक्सिमम इन्फ्लेशन मिलेगी ना पंद्रह परसेंट की होती है क्योंकि पंद्रह परसेंट के ऊपर अगर महंगाई दर है ना तो मतलब वो देश बहुत बड़े संकट में है मेंसेंट की इन्फ्लेशन से ही ना जिस फैमिली का एक लाख रुपए में गुजारा हो रहा था दस साल बाद उनको चार लाख चाहिए होंगे सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए तो होने क्या वाला है सिंस पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है ये किसी कैलकुलेटर से भी आ गया है कोई अगर सोचता है कि हो सकती है उससे भी ज्यादा इनकी इन्फ्लेशन है यहाँ पर क्या है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लगातार गिरता जाएगा जो मिडिल क्लास है ये लोअर मिडिल क्लास बन जाएगी लोअर मिडिल क्लास पावर्टी में जा सकती है और साथ ही साथ लोगों में एक गुस्सा ये भी है कि इनके पॉपुलर लीडर इमरान खान ये भी भी जेल में है तो इसलिए पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काफ़ी चिंतित हैं कि जो ये सारा गुस्सा है महंगाई का ये इमरान खान का कई और चीज़ों का इवेंचुअली जब फटेगा ना और सामने आएगा कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान में गवर्नेंस संभालनी इनको मुश्किल पड़ जाए और आपने इसलिए देखा होगा कि अप्रैल 2024 के महीने में वर्ल्ड बैंक ने यह कहा था कि 10 मिलियन लोग मतलब कि एक करोड़ लोग पाकिस्तान में पावर्टी में जा सकते हैं और इसका रीजन क्या है पहली बात तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत कम है इंडिया जहां पर आराम से साढ़े छह से लेकर सात परसेंट या काफी बार उसके भी आगे हम ग्रो कर लेते हैं और एन एवरेज आप कह लीजिए सेवन परसेंट से ऊपर ग्रोथ रेट हम दिखा रहे हैं पाकिस्तान की ग्रोथ रेट वन पॉइंट एट परसेंट के आसपास है और इन्फ्लेशन जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ट्वेंटी सिक्स परसेंट था इन द करंट फिस्कल ईयर कैलकुलेटर तोड़ देता है पाकिस्तान मतलब कोई मैं इतने इन्फ्लेशन का ना हिसाब कितना लगेगा कि कहाँ पे जाके लोगों की सेविंग्स पहुंच जाएगी कितनी महंगाई बढ़ जाएगी ये एक बार को कैलकुलेट करना भी मुश्किल पड़ जाता है और एक थोड़ा सा वैसे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यह बता रहा हूँ कि मार्च महीने में जो इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन है ये फोर पॉइंट एट फाइव परसेंट के आसपास पहुँच गई थी ना एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी आती है विदेशी मुद्रा भंडार की एमशोर sure आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से 1.1 बिलियन डॉलर्स का लोन उठाया है इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि जो ये लोन है ये पाकिस्तान को मिल चुका है तो क्या इससे इनको कुछ हेल्प नहीं मिलेगी देखिए ये पैसा पाकिस्तान क्या करता है अपने विदेशी मुद्रा भंडार में शो कर देता है अपनी करेंसी को सपोर्ट करने के लिए अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं ना ये आपके लिए शॉकिंग होगा यहाँ पे आप देख पाओगे लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद फॉरेन एक्सचेंज इंडिया रैंक फोर पे आपको मिलेगा रैंक वन पे है चाइना चाइना के पास सबसे ज्यादा यूएस डॉलर्स हैं तो इसलिए बाय डिफॉल्ट ये आपको टॉप पे मिलेंगे नंबर टू पे आपको मिलेगा जापान नाउ इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान को ढूंढने के लिए ना आपको नॉर्थ कोरिया से भी नीचे जाना होगा ये मुझे आज तक समझ नहीं आया के ये नॉर्थ कोरिया के नीचे कैसे चले गए एक ऐसा देश जिस पर सैक्शन लगे हैं एक ऐसा देश जो एफ ब्लैक ब्लैकलिस्ट में है ना यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत ज्यादा स्क्रोल करने के बाद ना यहां पे एटी स्पॉट पे आपको नॉर्थ कोरिया से पीछे मिलेगा पाकिस्तान पाकिस्तान के पास टोटल आज के समय आठ बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं इनमें से बहुत सारा पैसा इन्होंने आईएमएफ से भी उठाया है कुछ पैसा इनको यूएई और सऊदी अरेबिया से भी मिला था लोन के रूप में वो रोल ओवर करते रहते हैं उसको काफी बार कुछ पैसा चाइना से भी आया है जो ये आठ बिलियन डॉलर आप देख रहे हैं ना ये भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा फ्रेजाइल अमाउंट है और आप देखोगे पाकिस्तान के नीचे आपको मिलेगा फिनलैंड फिनलैंड देखो यहाँ पर आपको अगर दिख रहा है और ये सोच रहे हैं कि फिनलैंड इतना नीचे क्यों इवन दो ये एक डेवलप्ड कंट्री है इसके दो रीजन है फिनलैंड के पास बहुत सारे गोल्ड रिजर्व हैं वो लोग गोल्ड पे ज्यादा फोकस करते हैं उसके अलावा फिनलैंड की आबादी है सिर्फ पचपन लाख पाकिस्तान की आबादी बाईस तेईस करोड़ के आसपास है ना मैं एक बात यहाँ पे आपको बता दू कि हम इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर रहे मेन बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि अभी जो स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है इससे होगा क्या ये देखिये बहुत ही जरा सिंपल फॉर्मूला है जब इन्फ्लेशन रिकॉर्ड तोड़ रेट पे आगे बढ़ जाती है जब परिवार जो एक बार को अपने बच्चों को पढ़ाते थे कॉलेज में भेजते थे बेसिक एजुकेशन भी अफोर्ड नहीं कर पाते तो मिलिटेंसी बढ़ती है आतंकवाद बढ़ता है जो आतंकवादी संगठन है उनको रिक्रूटमेंट आराम से मिल जाती है और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान में एक बड़ी वेव आए टेररिज्म की क्योंकि ही बात है कई लोग जो करंट गवर्नमेंट है उसको भी पसंद नहीं करते वो मानते हैं कि इलेक्शन प्रॉपरली हुए नहीं है जो इनका मेन नेता था इमरान खान उसको जेल में डाल रखा है तो आने वाला टाइम मैं आपको बता दूं पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा और इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम इंश्योर करें कि पाकिस्तान में जो ये राइजिंग मिलिटेंसी है ना इसका नेगेटिव इंपैक्ट कहीं भी भारत पे ना आए भारत में कहीं से जो ये इनके आतंकवादी हैं ये भी अटैक करना ना स्टार्ट कर नहीं तो मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ी वेव आने वाली है आतंकवाद की इन पाकिस्तान इन नेक्स्ट फाइव इयर्स अगर इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी ही रहती है और फाइनली आपसे मैं एक क्लासिक क्वेश्चन पूछूंगा ऑल टाइम क्लासिक क्वेश्चन है पता नहीं कितने एग्जाम्स में आ चुका है कितनी ही बार आ चुका है ये आंसर ना कर पाया तो गड़बड़ है क्वेश्चन यह है कि इनमें से कौन सा संगठन कैलकुलेट करता है भारत की जीडीपी है आप, आप, आप लोग मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर एनएसएसओ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये सभी मिलकर एक मीटिंग ख्याल से हैं। ये भारत की जीडीपी कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर जो लोग सही आंसर देंगे उनकी और गाइस काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और मैं ये वीडियो देखकर जो है ना लिटरली मेरा तो अंदर से दिल जो है ना वो डर रहा था कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई और ये सारी चीजें जो अभी से, अभी से भी बहुत महंगाई है पाकिस्तान के अंदर ठीक है और अभी मजीद जो है वो बढ़ेगी तो सारे मेरे ख्याल से तो हम लोग रोड के ऊपर आ जाएंगे जो कि बहुत ही टफ और मिजरेबल सिचुएशन है पाकिस्तान की और पता नहीं अभी क्या हाल होगा पाकिस्तान का जगह मैं जो ना इसके ऊपर मज़ीद कुछ नहीं बोल पा रही मेरा तो वैसे बिल्कुल जो कहते हैं ना मैं मेरे अल्फाज ही खत्म हो गए और गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर ट्राईगा चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर दीजिए बाय बाय गाइज